संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। आज कोर्ट में कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का विशेष उल्लेख हुआ। एक बैंक ट्रांजैक्शन ऐसा जिसके अंतर्गत समीर महेंद्रू 1 करोड़ की राशि मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, कोर्ट में जो मीडिया की एजेंसीज के माध्यम से दस्तावेजों में ध्यान में आता है, विजय नायर को समीर महेंद्रू 2 से 4 करोड़ रुपया देते हैं। इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया, ना ही अपने आप को इससे दरकिनार किया। आज कोर्ट में सीबीआई और इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, पीएमएलए के अंतर्गत जितने केसेस दाखिल हुए थे और जो विविध कोर्ट्स के सम्मुख पेश हुए, उसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने कोई स्पेसिफिक मंतव्य नहीं दिया। ऐसा अगर आप ऑनलाइन लीगल प्रोसीजर्स को रिपोर्ट करने वाली एंटिटीज का भी खाका पड़े तो ध्यान में आता है। केस के कुछ तथ्य हैं जो जानकारी में आता है कि आज कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत हुए। एक, के 4/9/2020 दिल्ली सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है, उस कमेटी का बनना, ये ऑर्डर देने वाले इश्यू करने वाले व्यक्ति का नाम है मनीष सिसोदिया। एक्सपर्ट कमेटी को चेयर करते हैं तब के एक्साइज कमिश्नर, और इस कमेटी ने 13/10/2020 अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ऐसा जानकारी में आता है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 में सार्वजनिक की जाती है और 14,671 फीडबैक्स आते हैं। ये सब
अरविंद केजरीवाल जी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मीटिंग में 5/2/2021 में प्रस्तुत होते हैं ताकि इसे एग्जामिन किया जाए। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनता है उसमें तीन मुख्य लोग हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि जो कोर्ट के सम्मुख दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं उसमें यह साफ इंगित है कि इन दस्तावेजों में बिना किसी कारण क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन किया जाता है। बदला हुआ यह दस्तावेज दोबारा जनता के सम्मुख कभी प्रस्तुत नहीं होता। कुछ तथ्य ऐसे जिनसे अरविंद केजरीवाल जी ने आज कोर्ट में अपने लॉयर्स के माध्यम से एक बार भी अपने आप को दरकिनार नहीं किया। एक, मनीष सिसोदिया के अपने सेक्रेटरी ने 7 दिसंबर 2022 में ये कबूल किया कि मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद नामक उस सेक्रेटरी को केजरीवाल के घर बुलाया। 30 पेज का डॉक्यूमेंट दिया। जब इस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया गया तब कमरे में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे। ये कहा गया है कि सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने यह कबूल किया है कि मनीष सिसोदिया ने उनको इन सबकी उपस्थिति में कहा कि जो दस्तावेज थमाया जा रहा है वही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट बनेगी। उस दस्तावेज में कैसे शराब की कंपनियों को लाइसेंस मिलेगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, ये सारे तथ्य थे। इसका भी खंडन अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने नहीं किया। एक और तथ्य, बुच्ची बाबू सीए ऑफ मिस के कविता 23 फरवरी 2023 उन्होंने स्वयं ये स्टेटमेंट दिया कि विजय नायर, जिनको अरविंद केजरीवाल अपना माय बॉय कहकर संबोधित कर चुके थे, उन्होंने शराब के इस घोटाले के संदर्भ में ये ऑफर दिया कि कुछ पॉलिसी में ऐसा बदलाव हो सकता है जिससे के कविता को मुनाफा हो। मात्र ये स्टेटमेंट नहीं है, कोर्ट में बुच्ची बाबू जो सीए हैं के कविता के, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस भी उपलब्ध हैं, ऐसा कोर्ट के सम्मुख कहा गया। तब भी अरविंद केजरीवाल जी के